दोस्तों, अगर आपकी बाइक कभी चोरी हो जाए और जितने भी बाइक के पेपर है आप हमेशा ही बाइक के अंदर ही रखते हैं, तो दोस्तों ऐसे में क्या होता है कि आपकी बाइक भी चोरी हो गई और जितने भी पेपर थे वो भी चले गए। अब आपके पास कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट्स नहीं है कि आप उसे साबित कर सके कि वो बाइक आपकी है या फिर आपके पास ऐसी बाइक थी। तो दोस्तों ऐसे में क्या कर सकते हैं, ऐसे में यही कर सकते हैं कि आपको जितने भी पेपर है वो सारे पेपर आपको डुप्लीकेट निकालने पड़ेंगे, और डुप्लीकेट निकालने के लिए सबसे पहले आपको जो पुलिस स्टेशन है वहाँ नज़दीकी जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पे आप जो FIR लिखाते हैं उस FIR की कॉपी की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों जब आप FIR लिखवाने जाते हैं तो कहीं कहीं पे आपकी FIR लिखी जाती है, क्योंकि आपको बोला वहाँ पे आपको जब आप बाइक चोरी हो जाती है तो सबसे पहले आपको बाइक की RC बुक मांगते हैं, बाइक के जो पेपर है, दूसरा जो RC बुक हो गया, फिर हो गया उसका इंश्योरेंस हो गया, PUC हो गई, यानी कि ये तीनों जो कागजात है वो आपसे मांगा जाता है। अगर ये तीनों ही आपके पास नहीं है, नहीं ओरिजिनल है, नहीं जेरोक्स है, तो वो आपको पूछेगा कि आपकी बाइक का जो नंबर है वो क्या है। अगर दोस्तों वहाँ पे अगर आपको बाइक के नंबर भी नहीं पता है तो आपको वहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लमें हो सकती है। कहीं कहीं पे अगर आपको बाइक के नंबर आपको पता है लेकिन फिर भी वहाँ पे FIR नहीं लिखते हैं, क्योंकि सिर्फ आपको पता होने से FIR नहीं लिखी जाती है, बकायदा उसका कोई प्रूफ या कोई डॉक्यूमेंट्स होना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों ऐसे में क्या करना है कि अगर आपके पास बाइक का नंबर है तो आपको क्या करना है, बाइक जो आपके जो RC बुक है, इंश्योरेंस है और जो PUC है, इन सारी चीज़ों में से आपको क्या करना है, RTO ऑफिस जाना है, और RTO ऑफिस में आपको वहाँ पे किसी एक एजेंट को पकड़ना है, क्योंकि जब आप RTO ऑफिस जाते हैं तो बाहर बहुत सारे ऐसे केबिन रहते हैं, बहुत सारे स्टॉल रहते हैं जो कि वहाँ पे अलग अलग प्रकार के जो वकील बैठते हैं, तो वहाँ पे आपको किसी भी एक अच्छे वकील को पकड़ना है, एक RTO का जो एजेंट है उनको पकड़ना है, और वहाँ पर आपकी सारी प्रॉब्लम को बताना है। जब वहाँ पे आप सारी प्रॉब्लम बताएंगे तो वो भी आपसे यही सेम पूछेगा कि आपके पास क्या डॉक्यूमेंट्स है, कुछ डॉक्यूमेंट्स है आपके पास, कुछ भी जेरोक्स वगैरह कुछ भी डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगेंगे। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपके पास गाड़ी का नंबर जो आपको याद है वो है, तो उस नंबर के आधार पे वो क्या करते हैं, वो अपनी सेटिंग लगा के, यानी कि आपको कुछ पैसे देने पड़ेंगे उनको, आपका पैसा वहाँ पे जाएगा, समझो 5000 के आसपास आपको इन सभी चीज़ों का खर्चा आ सकता है, तो उतना अमाउंट आप मान के चलिए, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन एक अंदाज में आपको बताता हूँ कि जो 5000 है उस 5000 का जो खर्चा है वो आपको आ सकता है। तो दोस्तों जब आप वहाँ पे जाते हैं, आपको वहाँ पे बताते हैं ऐसी बातें, तो क्या होता है कि आपको वहाँ पे ये आपको नंबर जो है, गाड़ी के जो नंबर है वहाँ पर देना है। जब आप गाड़ी के नंबर वहाँ पे देते हैं तो वो आगे ऑफिस में जाके बात करते हैं, उनके पहचान रहती है, उनका वहाँ पे रोज़ का काम रहता है, इसी के आधार पर आपकी गाड़ी के आधार पर एक डुप्लीकेट RC बुक जो है वो आपको, तो एक डुप्लीकेट RC बुक वहाँ से आपको जारी किया जाता है, वो जो पोस्ट के माध्यम से आपके घर पे आती है, जिसको कम से कम 10 से 15 दिन तक लग जाता है, और उस RC बुक आने के बाद आप उसकी कंप्लेन पुलिस स्टेशन में कर सकते हैं। पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करने के बाद वहाँ पे आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, उस फॉर्म यानी कि जो कंप्लेंट है वो, उस कंप्लेंट का जो एक फॉर्म रहता है वो एक आपको दिया जाएगा, ताकि आपको पता रहे कि आपने इस पुलिस स्टेशन में कंप्लेन की है, और जब भी वो बाइक उनको मिलेगी तो वो आपको कॉल करेंगे, बताएंगे कि आपकी बाइक मिल चुकी है। अब दूसरा पॉइंट दोस्तों ये आता है कि अगर आपका इंश्योरेंस, यानी कि आपकी जो बाइक जब चोरी हुई है तब आपका इंश्योरेंस कराया हुआ है, यानी कि इंश्योरेंस रनिंग में चल रहा है, तो आपको क्या करना है, वो इंश्योरेंस कंपनी में भी आपको क्लेम करना है, उस पुलिस स्टेशन की जो आपको एक कॉपी दी गई रहेगी, जो उस कॉपी को लेके जाना है, और जो भी वो भी एक डुप्लीकेट निकालना है, जो इंश्योरेंस की जो कॉपी रहती है उसे भी आपको एक डुप्लीकेट कॉपी निकालना पड़ेगा, और उसके बाद आपको इंश्योरेंस क्लेम करना है। तो वहाँ पे क्या होगा दोस्तों कि अगर आपकी बाइक नहीं मिलती है, अगर आपकी बाइक ढूंढने में नाकाम है, और आपकी बाइक कहीं भी किसी ने तोड़ दी, फोड़ दी या बेच दी, तो कुछ भी अगर हो गया, तो उसमें से आपको इंश्योरेंस
का ये बेनिफिट होगा कि अगर आपकी ईएमआई चालू है तो वहाँ पे आपको एक अमाउंट आपको मिल सकता है, जिस अमाउंट से आप अपनी ईएमआई को भर सकते हैं, जो कि पूरा अमाउंट नहीं मिलता है लेकिन कुछ अमाउंट आपको दिया जाता है, जैसे कि 70%, 80%, वो अलग अलग शोरूम में अलग अलग परसेंटेज, अलग अलग इंश्योरेंस कंपनी के अलग अलग परसेंटेज रहते हैं, उसमें भी आप फर्स्ट है कि सेकेंड है कि थर्ड है उसके आधार पर आपको दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं जिससे आपको फायदा हो सकता है, उससे आपको बेनिफिट हो सकता है। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहे।